हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित, और आज हम एक ऐसे फार्मा सेक्टर के स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी चाल यहां से बेहद हमें खराब होती हुई दिख रही है। अगर इसने जो लेवल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर इसने ये लेवल्स तोड़ दिए तो ये स्टॉक यहाँ से एक बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो स्टॉक जानने के लिए और इसकी डिटेल्स जानने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिन्होंने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे लिंक में हमने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उस लिंक पर सिर्फ क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे हम यूजुअली फ्रीक्वेंटली अपडेट्स देते रहते हैं कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम दिख सकता है, कौन से नहीं दिख सकता है। जैसे कि बहुत बार कुछ दिक्कतों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट करता हूँ कि बाबा कौन से स्टॉक में आपको पोजीशन लेनी है या कहाँ करनी है या किस डायरेक्शन में ट्रेड जा सकता है। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको फ्रीक्वेंटली अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। और ये स्टॉक जो रहेगा ये रहेगा कैडिला। अगर कैडिला हेल्थ को हम लोग डेली चार्ट से देखते हैं तो कैडिला हेल्थ एक अपने काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट के पास आके रुक गया है। शुक्रवार की ट्रेडिंग सेशन में 3 मई को कैडिला हेल्थ ऑलमोस्ट अपने 300 के लेवल्स के पास आ गया था, जो इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और हमें लगता है कि 6 मई को इस स्टॉक में कुछ बड़ी मूवमेंट दिख सकती है। अगर मैं इसको देखूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये 300 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस 300 के लेवल पर इसके पहले स्टॉक ने यहां पर बाउंस दिया था, जो था करीबन फरवरी के आसपास। और अगर इसके पहले हम देखते हैं तो स्टॉक इस 300 के लेवल्स के ऊपर ही अपने आप को सस्टेन कर रहा था, लेकिन ये इसके पहले ये वाला जो लेवल है कैडिला का, ये करीबन आया हुआ है जून 2016 के आसपास। और इसी लेवल पर कैडिला हेल्थ ने कई बार अपने आप को सपोर्ट लेके बाउंस किया हुआ है। तो ये जो लेवल है, जो करीबन फरवरी 2016 से लेके जून तक इसने इस लेवल्स पर कई बार बाउंस किया है। अगर मैं इसको मार्क कर दूं अभी, तो ये करीबन एक बार बाउंस किया यहाँ पर, फिर इसने यहाँ पर सेकेंड टाइम फिर से बाउंस किया है। एक बार करीबन अप्रैल के महीने में इसने फिर तीसरी बार टच किया इस लेवल को, फिर इसने जून में अपने आप को यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर बाउंस किया है। और उसके बाद स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम में निकल गया था, जहाँ से स्टॉक ने करीबन 300 से 410, 450 तक की रैली पूरी की है। 2017 के मिड में जब मार्केट हाई पे था एकदम, तभी स्टॉक ने 520, 525 तक की भी रैली दिखाई है। अब अगर मैं इसी तरह स्टॉक को आगे लेते जाऊँ तो आप देख रहे हैं कि स्टॉक उस लेवल्स के आसपास जाके वापस से नीचे आने लगा है, और अब जाके ये स्टॉक वापस से वही 300 के लेवल पे आया है जहाँ पर स्टॉक ने पहले करीबन 4 बार अपने आप को सपोर्ट पाया है। अगर आप इस साल देखें तो फरवरी के महीने में स्टॉक ने उसी जगह पर वापस से सपोर्ट लेके बाउंस किया है, और वही लेवल अभी वापस आ गया है। तो हमें ये लगता है कि ये जो 300 का लेवल है ये स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है, और ये लेवल अभी एक डिसीजन मेकिंग लेवल हो गया है, मेक और ब्रेक का। तो अगर इस लेवल को कैडिला हेल्थ ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट दिख सकती है। अब ये तो हो गया डेली चार्ट पैटर्न पर। अगर मैं वीकली चार्ट पैटर्न पे जाऊं तो मुझे इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब ये है वीकली चार्ट्स। अगर मैं वीकली चार्ट्स में जाता हूं तो आपको दिखाई पड़ेगा कैडिला हेल्थ में एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये इसका हेड, ये इसका शोल्डर, ये इसका राइट शोल्डर है, और ये इसका लेफ्ट शोल्डर है। और जो मैंने सपोर्ट लाइन बनाई हुई है ये इसकी नेकलाइन है। तो वीकली चार्ट्स पर भी इसने एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म किया है, और ये अपने नेकलाइन के पास आ गया है। हेड एंड शोल्डर्स, अगर नेकलाइन हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में अगर नेकलाइन ब्रेक होती है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिंबल होता है, सिग्नल होता है कि यहाँ से स्टॉक नीचे जा सकता है। इसीलिए ये
हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से कुछ आइदर बाउंस बैक दिखाएगा, और अगर बाउंस बैक दिखाएगा तो वापस से आपको 340 350 के लेवल से ले जाएगा। लेकिन अगर इस स्टॉक्स ने यहाँ से 300 के लेवल ब्रेक कर दिए तो इसको जो इमीडिएट पहला सपोर्ट है जो बहुत नज़दीक है वो है 294 का, और जिसके बाद स्टॉक का भगवान ही मालिक रहने वाला है। तो इसीलिए अगर आपकी पोजिशंस हैं कैडिला हेल्थ में तो आपको इस स्टॉक को बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशल लेवल्स के पास आ गया है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। जिनके पास कैश में पोजीशन है, डिलीवरी है, वो लोग देख सकते हैं काफ़ी क्लोजली स्टॉक को। अगर आप प्रॉफिट्स में हैं तो मैं कहूँगा आप अपने पार्शियल प्रॉफिट्स इसमें से बुक कर लीजिए, क्योंकि अब अगर यहाँ स्टॉक्स नीचे गया तो स्टॉक बहुत तेज़ नीचे जाएगा, आपको मौका नहीं देगा ये स्टॉक बाहर निकलने का, और फिर जो आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया हुआ है वो कहीं लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। अब हम देखते हैं स्टॉक को एक अलग एंगल से। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये 300 का जो लेवल है ये इसके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल है, तो हमने जब प्लेन चार्ट पे देखा है तो हमने इसके रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए थे, सपोर्ट्स ड्रॉ कर लिए थे, ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर रहा था, वो सब हमने देख लिया अभी तक। लेकिन अगर मैं इसको हार्मोनिक पैटर्न्स पे देखता हूँ तो हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर ये स्टॉक एक बुलिश ABCD फॉर्म कर रहा है। ABCD एक हार्मोनिक पैटर्न होता है जहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपके लेवल्स सेट होते हैं, और जैसे ही वो परसेंटेज या वो लेवल्स आते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, और वहाँ से आपको एक क्लू मिलता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर मैं एक बहुत ही जल्दी वीडियो ला रहा हूँ, उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि हार्मोनिक पैटर्न्स कौन कौन से हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन किस तरह होता है, और किस हार्मोनिक पैटर्न का मतलब क्या होता है। तो वो एक पूरी 6-7 वीडियोस की एक सीरीज़ होगी जिसमें हर वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से हार्मोनिक पैटर्न का मतलब क्या होता है, और अगर वो पैटर्न फॉर्म होता है तो हमें वो किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो अगर मैं इसको डेली चार्ट्स में देखता हूँ तो ये एक ABCD बुलिश ABCD हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और इस पैटर्न का मतलब है कि स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करेगा, लेकिन ये चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं कि यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं हार्मोनिक पैटर्न पर भी देखता हूँ तो ये क्रूशल लेवल हो गया है। हालांकि हार्मोनिक पैटर्न में एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर जो ये मैंने डी का लेवल फॉर्म किया हुआ है, ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, तो ये ABCD जो मैंने फॉर्म किया हुआ है अगर ये डी के लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो अगर हार्मोनिक पैटर्न को ये रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर इसमें बहुत तेज़ गिरावट आती है। और अगर ये डी को रिस्पेक्ट कर लेता है और यहाँ से बाउंस बैक दे देता है तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल होगा ये होगा कि अगर ये बाउंस बैक के सिग्नल दे रहा है तो इसने एटलीस्ट इनिशियली 320 के लेवल्स क्रॉस करने चाहिए, जो जिसका मतलब ये है कि जो 3rd of May के लेवल्स थे इसके, जो 3rd of May का इसका हाई था, इसने एटलीस्ट वो क्रॉस करना चाहिए, तभी ये सिग्नल रिवर्ट होगा और हमें लगे कि ये यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है। अगर ये अपने 300 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ये इसके लिए बेरिश सिग्नल हो जाएगा, और इसका मतलब है कि इसने इस हार्मोनिक पैटर्न को अभी तक रिस्पेक्ट नहीं किया है। तो इस तरह इन टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर हमें ये लगता है कि कैडिला हेल्थ जो है ये एक काफ़ी क्रूशल लेवल पे आ गया है, और यहाँ से ये मेक और ब्रेक कर सकता है। अगर ये नीचे की तरफ जाता है और 294 जो मेरा लास्ट सपोर्ट इसका रहेगा, अगर ये 295-294 का सपोर्ट्स ब्रेक करता है तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, और वहाँ से फिर नए लेवल्स आगे क्या आएंगे उसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। अगर स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इसको 320 के लेवल्स एटलीस्ट क्रॉस करने पड़ेंगे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और फिर वहाँ से ये स्टॉक 340 और 350 के लेवल्स वापस से दिखा सकता है। तो ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस कैडिला हेल्थ के ऊपर। होप सो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अगर पसंद नहीं भी आ रहा है, कोई चीज़ आपको लगता है कि इम्प्रूव करनी है, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके हमें मालूम पड़ेगा कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट लानी है, क्या हमारी तरफ से मिसिंग है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपने हमारे अभी तक व्हाट्सएप चैनल में अगर आपको हमारा ऐड होना है तो आपको बस एक करना है कि Zerodha में अकाउंट ओपन करना है। Zerodha की लिंक यही नीचे दी गई है इसी वीडियो के, आप उस पर क्लिक करके आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं, और एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको सिर्फ आपका यूज़र आईडी हमें शेयर करना है, हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे।
व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप में डेली बेसिस पर स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं, कौन से करने हैं, कौन से ट्रेड करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। टेलीग्राम पर भी करते हैं, लेकिन टेलीग्राम का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोग ज़्यादा रिकमेंडेशन देते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक्स एंड बाय।